दो पतंग काटी है और दो कट गई है। एक काटी है भाई साहब, एक ही एक काटी ना। हाँ तो दोस्तों, आज के व्लॉग में हम उड़ाएंगे पतंग और मैं जा रहा हूँ मेरे फ्रेंड के यहाँ हर्ष के वहाँ। हर्ष के वहाँ पहुँचने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि क्या करना है। हमको पतंग वतंग भी लेनी है, हमको पतंग भी लेंगे, उसके बाद उड़ाएंगे हम पतंग काट। तो चलिए चलता हूँ हर्ष के वहाँ जाने के लिए, मैं निकलता हूँ। पतंग लेने गए थे, पतंग लाते लाते बहुत दूर हम शॉप पे चले गए थे, हमको लग रही थी भूख, तो हम आ चुके हैं मंचूरियन की शॉप पर। मंचूरियन का ऑर्डर हमने दे दिया है, नूडल्स मिक्स करवा ली उसमें। अबे भाई, अब तो मास्क खोल दे, ये मतलब खाने ही वाले हम, मतलब इतना बना हुआ बोले। और भाई कोरोना, ये देखा, ये हर से देख लो, जब से मास्क ही नहीं उतारा इनने। तो चलिए मंचूरियन खाएंगे, उसके बाद मिलेंगे, पतंग उड़ाएंगे। तो दोस्तों, हमारा ऑर्डर आ चुका है नूडल्स मंचूरियन, हर्ष जी भी देख रहे हैं। और ये देखिए, हमने नूडल्स मंचूरियन जो किए मंगवा दिए हैं, अब हम खाएंगे और थोड़ा पेट में कुछ जाएगा गर्मा गर्म। तो ये देखिए, देख लीजिए, आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा देख के। अब हम खा के और फिर निकलते हैं पतंग उड़ाने के लिए। ये देखिए हर्ष, इधर देख लियो भाई, ठीक है। तो बस, हाँ, तो मंचूरियन हमने खा लिया है, अब हम निकलेंगे सैनी के घर पर जाएंगे, वहाँ से पतंग वतंग का सीन देखें क्या है क्या नहीं है। अभी मास्क नहीं लगाया, मास्क लगा लेता हूँ, ठीक है, मिलते हैं। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं पतंग लेके हर्ष के घर पे, अब हम जाएंगे ऊपर। ये देखिए, इतनी ऊपर चढ़ना है हमें, पहले ले आते हैं हम सेलो टेप, क्योंकि टेप वगैरह लगेगी, हो सकता है फट जाए, तो इसलिए पहले तो टेप लेके आते हैं हम। चलो, उसने टेप ले ली, दिखाओ भाई टेप, ये टेप ले लिए, मेरे पास तो दिखा, ये इसने भी टेप ले ली है किसके लिए। तो चलिए मिलते हैं कुछ देर में पतंग उड़ाने में। पतंग उड़ाने के लिए सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, खौफनाक जगह, ये हर सारा है पीछे और इधर, और पता नहीं कहाँ कहाँ से, कहाँ कहाँ से घुस घुस के ऊपर की तरफ आ रहे हैं हम, और ऊपर जाना पड़ेगा, खत्म ही नहीं हो रहा है रास्ता, लगातार बस चलते रहो चलते रहो। और यहाँ पर लिखा हुआ है कृपया दरवाज़ा बंद करके जाएं। ये देखिए दरवाज़ा है, ओहो, आ चुके हैं हम मैदान में, इतनी बड़ी छत है, यहाँ पे भी हम एंजॉय करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहले क्या सीन है। ठीक है दोस्तों, पतंग ही पतंग लेके आ गए हैं हम, कितनी सारी पतंग है, पर्पल है, वाइट है, कतई ब्लैक लवर भी बने हुए हैं, और ये टेप भी लेके आए हैं, ये मांजा भी लेके आए हैं, और ये हर्ष जो है वो उलझी हुई धागन सुलझा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो चलिए, अब हम जूते बांधने की तैयारी हो रही है, और अब मैं देख लेता हूँ, मैं मेरी पूरी तैयारी कर लेता हूँ, उसके बाद पतंग में हम उलझेंगे। तो बस थोड़ा पास आ जाए, बना दे इसमें होल, दिखा देता हूँ पास से, दिखा दी हूँ। तो ये देखिए, हमको जो है इसकी जोत बांध रहे हैं, तो एक जो होल है उसको यहाँ करेंगे हम, तो जो दूसरा होल है उसको इधर करेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद जो अगला होल होगा इसको हम ऐसे नाप लेते हैं,
वैसे नापना तो क्या अन्नी की तुलनी में ही होता है वो तो, फिर भी एक बार नाप के हम दिखा देते हैं व्यवस्थित जो भी रहेगा। और ये धागा जो हमने लिया हुआ है इसको हम इधर की तरफ से डालेंगे। तो कितना लंबा होना चाहिए धागा ये तो बताओ। धागा हमने ये ले लिया है, दो हाथ ले लिया हमने धागा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का, मतलब 2 मीटर मान लो। तो इसको हम इधर से उल्टा करेंगे और इधर की तरफ से एक धागा डाला और इधर की तरफ से निकाला। डबल बांध रहे हैं ये देखिए, डबल बांध रहे हैं। इससे क्या मजबूती रहेगी, अगर पतंग हमारी ऊपर चले जाएगी, अगर किसी कट गई तो हम लपेट के ला सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये सोचा था कि पहले ब्लैक को उड़ाएं, पर नहीं, ब्लैक जो है शाम के समय उड़ाएंगे, वो दिखेगी आसमान में। अभी थोड़ा दोपहर का टाइम है इसीलिए। ये इसमें हमने को 3 गिठान लगानी है, इस बात का ध्यान रखना है आगे की तरफ। और पीछे की तरफ जो है हम 4 भी लगा सकते हैं, 5 भी लगा सकते हैं, पर हम 2 ही लगाएंगे। ये देखिए इधर से भी हमने इसको बांध दिए है। इसको जोत बांधना बोलते हैं, क्या बोले सैनी? जोत बांधना, जोतते बांधना बोलते हैं इसे, कतई अपनी भाषा में। जोत तो जब पूजा करते जब लेते। हाँ कतई सही बोल रही हो मैं इसे। ये मतलब जो धागा है ये इंडियन धागा ही है, बरेली है अभी अभी हमसे क्या है। और ये देखिए ये जो यहाँ से रेशियो है, हमने इसको यहाँ से यूं करके नापते हैं ऐसे, और यहाँ से हमने पकड़ के रखना है इसको, फिर जो दूसरा है उसको यहाँ से इन दोनों को ऐसे करके ज्वाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बीच में थोड़ा सा लोड डालेंगे हम, देन दोनों को पास में खींचेंगे कुछ इस तरीके से। अगर हमें भारी पतंग उड़ानी है तो पीछे की तरफ एक गिठान और लगानी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखना है कहते हमें, ठीक है। ये देखिए ये ऐसा हो चुका है, अब इसके अंदर हम धागा लगाएंगे। और धागा लगाने के पहले जो है हाथ को हम व्यवस्थित कर लेंगे, टेप लगा लेंगे हाथ पे। ये देखिए कुछ इस तरीके से, क्योंकि जो है हाथ कटने का चांस बनता है इसमें पतंग उड़ाने में। ये देखिए ये वाली उंगली और जो ये वाली, क्योंकि जो धागा रहता है ना वो इसी उंगली पे ज़्यादा आता है, कांच रहता है उस पर, कांच रहता है उसमें, बिल्कुल सही कहना है अर्ष जी का। ये देखिए तो यहाँ से हम पूरा इसको लपेट लेंगे बिल्कुल व्यवस्थित, उसके बाद हम शुरू करेंगे पतंग उड़ाना। ये देख लीजिए इसको सही कर लिया है। अब इसमें जो धागा था बरेली भरा के लाए थे, हम देखो कांच कैसा चमक रहा है, धागन खींचिए कि ढील किए पता नहीं, एक पेज कटेगा या तो काटेंगे देखेंगे जो भी होगा। तो शुरू करने वाले हैं हम पतंगबाजी। अभी आसमान में 4 से 6 पतंग उड़ रही है, जैसे ही हमारी उड़ेगी उसके बाद 20 से 25 हो जाएगी, पता ही नहीं लगेगा, और या तो एक भी नहीं दिखेगी क्योंकि हम काट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तो पतंग का नाम नहीं था, ये लो भाई उड़ा लियो, उड़ा लियो, उड़ा लियो, तो उड़ा लियो, जरा उड़ा उड़ा से उड़ा। भाई कार्तिक जी उड़ा रहे हैं पतंग, हमने काट तो दी है एक बढ़िया तरीके से, कतई बहुत ऊपर है पतंग। हां कट गई वो, उन्हीं तो उड़ाता ना वहां पर, कट गई ना वो तो, धागा अलग ही कट जाता है, अलग ही उलझ जाता, पता लग जाता है उसके हाथ पर। हमने 2 पतंग काटी है और 2 कट गई है, एक काटी भाई एक काटी एक ही काटी ना, एक काटी और 2 हमारी कट गई। तो मायूस बैठे हुए हर्ष दूसरी पतंग की जोते बांध रहे हैं, ब्लैक वाली, अब देखते हैं क्या होता है। 2 हमारी कट गई, वो तो एक शायद क्या हो गया था उस समय, धागा टूट गई थी, धागा टूट गई थी, तो मतलब एक एक का रेशियो बोल सकते हैं कि एक एक से बराबर चल रहे हैं। अब बांधते दूसरी, फिर देखते हैं क्या होता है।
तो कहते अभी एक साथ दो पतंग हमने काट दी है। ये देखिए अंकल ने के हाथ में जैसे ही धागा आया अंकल ने एक पतंग काट दी है। ये हर्ष ने भी धागा गट्टा लिए हुए हैं। ये सब चल रहे हैं आराम से। आंटी ने पतंग उड़ाई अभी। ऊपर की साइड में दिखा देता हूँ कितनी सारी पतंग ही पतंग उड़ रही है। देखते बहुत सारी है। दो पतंग एक साथ हमने काटी है। अब देखते हैं अगली कैसे कटती है। दोस्तों ये देखिए अभी अभी हमारी पतंग काट दी है ये वाली पतंग ने। ये देखिए ये वाली पतंग ने अभी अभी हमारी पतंग काटी है। अब हम दूसरी पतंग चूज करने जा रहे हैं कि अपन उनके जब तक कौन सी वाली उड़ानी चाहिए। इसमें से कौन सी वाली उड़ाएं? ब्लू वाली ब्लैक वाली? लाइव कॉल कर ले आधे घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए। हाँ तो फाइनली हमारी एक और पतंग कट चुकी है। उसके बाद दूसरी पतंग भी हमने ले ली है। ये कतई ब्लैक वाली पतंग अभी दिखा दूंगा, ऐसे में दिख नहीं रहा है। ये हर्ष उड़ा रहा है ब्लैक वाली पतंग। कतई ऊपर कांगे दिख रही है? एक से दिखा ना, वही वही दिख रही है ऊपर। देखो बीच में जो दिख रही है वही है, दिख रही दिख रही वही। देख मेरी इसको बांध तो पता है ऐसी वाली मेरे लिए, इसको बांध दे एक जगह। अच्छा बांध देते हैं। देख मेरा हाथ स्टेबल है। वो नीचे आ रही है। चल चल। अरे तो देखना भाई ये नीचे गिर रही है। ठीक है देखते पेज लेने क्या हो रही है। धूप आ रही है मुंह पे से। वाली पतंग थी वो बहुत ही लिप्पू थी, बहुत ही अच्छी उड़ रही थी। तो उसको हमने नीचे ला के पटक दिया, कोने में रख दिया। उसको हम थोड़ी देर से उड़ाएंगे। जो हमारे नूब दोस्त आएंगे उनसे उड़ाएंगे उसको, क्योंकि उनको उड़ाते नहीं आती इसलिए। नीचे ना जाए वही। और जो ये दूसरी पतंग है हमने ब्लू वाली, जो पर्पल वाली उड़ाई है, उससे हमने दो पतंग और काट दी अभी हाल फिलहाल में। अब देखते हैं क्या रेशियो बन रहा है। हमने ज्यादा पतंग काट दी क्योंकि एक ही में हम दो भी काट चुके थे। चलिए देखते हैं। और अभी अभी एक पतंग कट के आई थी हमारे पास, तो ये देखिए धागन लपेटी रहा है। ये पन्नी की पतंग आई थी जो उड़ा रहे हैं हम, ये लूट ली थी हमने। वो ये पतंग लूट ली थी हमने। ये देखिए ये हर्ष लपेट रहा है। वो जो टेप मैंने लगाई थी ये देखिए कुछ इस तरीके से हो चुकी है, ख़राब हो गई पूरी। हाँ तो जो ब्लैक वाली पतंग थी वो बहुत ही शानदार हमारी उड़ रही है। ये देखिए बहुत ही पास में आ चुकी है। अंकल नीचे उतार रहे हैं ब्लैक वाली पतंग को। ये हर्ष लपेट रहा है क्योंकि कानबाज तैयार है हमारा जो नया है। अब उसको हम उड़ाएंगे ब्लैक वाली, क्योंकि पतंग बहुत अच्छी है। क्योंकि अभी प्रतीक और योगेश भी आने वाले हैं तो देखते हैं, क्योंकि उनको पतंग उड़ाते आती नहीं है, उनको पकड़ा देंगे बस धागा। तो आ चुके ब्लैक पतंग हाथ में और अब हम उड़ाने वाले हैं कानबाज। पतंग उड़ा रहा है पन्नी की, क्योंकि एक जो भी मैं उड़ा रहा था वो थोड़ी आगे से टूट गई अपने आप और लूट लिए सबने। पर लेकिन पतंग किसी के हाथ में नहीं आने वाली, फाड़ देंगे लोग। पतंग उड़ा रहे हैं ये पन्नी की। ये रही पन्नी की पतंग, उड़ा रही है आराम से। भाई अलग हो गया यहाँ तो। क्या गई वापिस? दोस्तों बीच में मैंने बताया था कि प्रतीक और योगेश आने वाले हैं। तो देखिए ये योगेश है, ये प्रतीक है। मुँह छुपा रहा है। इनके लिए हमने लिप्पू पतंग छुपा के रखी ब्लैक वाली, क्योंकि इनको पतंग उड़ाते ही नहीं आती है। तो चलिए देखते हैं उड़ाते हैं बाद में, थोड़ी कतई लेट हो गए हैं। ठीक है क्या? ये देखिए कोशिश कर रहे हैं उड़ाने की लेकिन नहीं आ पा रही है। इनको उड़ाते हैं, बोल रहे हैं दीपक उड़ाएगा। ये देखिए कोशिश कर रहे हैं उड़ाने की। अब ये योगेश को ये दे दिया इन्होंने, मान जा। प्रतीक तो बिल्कुल कोविड, देखना है क्या होता है। कोशिश तो जारी है। अबे ढीला पकड़ रहा है। बढ़ चुकी है तो फाइनली 8-10-11 पतंग लेके आए थे हम। टोटल हमने कटवा भी दी और कट भी गई। टोटल हिसाब किताब जो था बराबर चला बिल्कुल हमारा। एक तो टूट भी गई थी और एक जो आखिरी पतंग है ये भैया उड़ा रहे हैं, वो देखिए चल रहा है ये योगेश। तो योगेश से मैं पूछना चाहूंगा कैसा रहा एक्सपीरियंस उड़ाने का, मजा आया? बहुत बेकार रहा। बहुत बेकार एक्सपीरियंस रहा योगेश का। और ये प्रतीक को तो उड़ाना ही नहीं आता, इन्होंने बोला ये होता क्या है, किसने बनाया है ये, ऐसा इनका कहना था। झरने ने बोला था क्या वो? तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए नंदू की मस्ती के साथ और आपकी गाड़ी।